मूर्ति जो कहते हैं कफ। अब ये ठंडी के दिन होते हैं तो ठंडी के दिनों में शरीर में कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कफ का असर हमारी जठर अग्नि पर है। कफ को जिंदगी भर शांत रखना है, शमित रखना है, सम अवस्था में रखना है। तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई, वैसे तो सैकड़ों हैं लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज पहले बता रहा हूँ, वो कहते हैं नंबर एक की चीज है कफ को शांत रखने के लिए, वो है गुड़। और ऑब्लिक करके उन्होंने एक चीज बताई है शहद। तो वो कहते हैं कि जो शहद खा सकते हैं वो शहद खाएं, जो नहीं खा सकते वो गुड़ खाएं। गुड़ कफ को कैसे शांत रखेगा, आधुनिक विज्ञान की जानकारी कुछ मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूँ। कफ जब भी बिगड़ता है तो शरीर में एक तत्व की बहुत कमी आ जाती है, वो है फॉस्फोरस। केमिकल है, जब भी कफ बिगड़ेगा तो आप समझ लो आपके शरीर में फॉस्फोरस की कमी है। और फॉस्फोरस का एक छोटा भाई भी है आर्सेनिक। आर्सेनिक वैसे तो शरीर में ना रहे तो अच्छा है, लेकिन बहुत मामूली मात्रा में रहे तो फॉस्फोरस को ताकत देता है ये आर्सेनिक। फॉस्फोरस का कॉम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिक। ये केमिस्ट्री की बात है। अब आप समझ लीजिए कि कफ आपके शरीर में बढ़ गया, इसका माने फॉस्फोरस कम हो गया। तो भागवत जी ने कितनी इंटेलिजेंसी से चुना गुड़ खाओ। हमने गुड़ को जब टेस्ट किया लेबोरेटरी में तो उसमें सबसे ज्यादा फॉस्फोरस ही है, गुड़ में सबसे ज्यादा फॉस्फोरस। हालांकि उसमें थोड़ा मात्रा में आर्सेनिक भी है लेकिन फॉस्फोरस उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में है। और गुड़ जो बना है ना किससे बना है, गन्ने के रस से। तो गन्ने के रस को टेस्ट किया तो पता चला गन्ने के रस में फॉस्फोरस है लेकिन गन्ने के रस से ज्यादा गुड़ में है। गन्ने के रस में भी फॉस्फोरस है लेकिन उससे ज्यादा गुड़ में है। तो क्या किया हमने, गन्ने के रस को गर्म किया। तो गर्म करने की जो प्रक्रिया है इसमें फॉस्फोरस घटा नहीं बढ़ा, ये पता नहीं क्या अद्भुत विज्ञान। तो भागवत जी ने ये नहीं कहा कि गन्ने का रस पियो, उन्होंने कहा गुड़ खाओ। गन्ने के रस को भी वो कह सकते थे क्योंकि फॉस्फोरस उसमें है लेकिन गन्ने के रस से ज्यादा बेहतरीन स्थिति का फॉस्फोरस गुड़ में है जो सबसे जल्दी हजम होता है। ये गुड़ ऐसी अद्भुत चीज है जो एक दिन के बच्चे को भी खिलाया जा सकता है, एक दिन के बच्चे को। आज बच्चा पैदा हुआ आप शाम को उसे गुड़ दे सकते हैं। तो आप जो है एक ऐसी स्थिति में है जहां आपके पास कई चीजें उपलब्ध है, उनमें से भागवती जी चुनकर दे रहे हैं कि देखो ये है। अब गुड़ बनाने के पहले एक और चीज बनती है जिसको मराठी में कहते हैं काकवी, तरल गुड़ कहिए उसको, राब कहते हैं कई लोग उसको, राजस्थान में राब कहते हैं। वो ये कहते हैं कि गुड़ और राब में आपके पास अगर चॉइस है तो राब खाइए, वो गुड़ से भी ज्यादा अच्छी है। तो राब हमने बनवाई और उसको टेस्ट किया लेबोरेटरी में तो गुड़ से बेहतरीन स्थिति का फॉस्फोरस राब में है। तो आपकी जिंदगी का इसको हिस्सा बना लीजिए, कफ की जिंदगी में तकलीफ कभी भी नहीं आए जो आप राब और गुड़ खाएं, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाना चाहिए।